द फैमिली मैन 2 के बाद अब शरद केलकर को मिल रही है धमकियां जान से मार देने की। जी हाँ, क्या है पूरी जानकारी, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फोर्स। आपको बताना चाहूंगी सीजन 1 और सीजन 2 के बारे में। हम सभी जानते हैं अरविंद का किरदार प्ले किया है शरद केलकर ने, जहां पर अरविंद का जो किरदार होता है वो सूची के साथ उनकी क्लोजनेस बढ़ती है और कहीं ना कहीं एक उनके बीच में एक अलग बॉन्डिंग बन जाती है, जिसके बाद से ही ऐसा लगता है, जो लोग देखते हैं उनको लगता है कि धोखा दे रही है सूची, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अरविंद है, यानी कि शरद केलकर का जो किरदार, और प्रियामणि जी या प्रियामणि जो कि है सूची का किरदार प्ले कर रही है। तो यही जो थ्रेटनिंग मैसेजेस आ रहे हैं शरद केलकर को फैंस की तरफ से, जो शो के फैंस हैं उन्होंने ये सारी बातें बताई हैं। पहले तो आपको बताना चाहूंगी, एक बिजनेस मीटिंग के लिए लोनावला जाते हैं और एक रूम में दोनों रहते हैं, एक रूम शेयर करते हैं, लेकिन मेकर्स ने ये नहीं दिखाया कि रूम में क्या कुछ होता है, उन्होंने सारी चीजें नहीं रिवील की, जिसके बाद फैंस यही सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ हुआ है और सूची ने चीट किया है श्रीकांत को। फिर उसके बाद आपको बताना चाहूंगी क्या कहते हैं शरद केलकर कहते हैं कि श्रीकांत एंड सूची के बीच में मत आओ, जान से मार देंगे तुमको। ये सारी धमकियां मिल रही है शरद केलकर ने बताया, और इस सारे थ्रेट से वो बहुत ज्यादा परेशान भी हो चुके हैं। आगे उनका कहना है कि जो मेरा कैरेक्टर है उसका इक्वेशन बहुत अच्छा है सूची के साथ, और पता नहीं एक लोनावाला मिस्ट्री है जिसके वजह से ये सारी चीजें हैं, और ये जिस वजह से एक वेब सीरीज को लेकर लोग रियल लाइफ में शरद केलकर को धमकी दे रहे हैं। अब कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है, सीरियस बात है, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं शरद केलकर इन सारी बातों को। लेकिन अब क्या कुछ और बातें कहते हैं शरद केलकर, वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आप सभी क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये सही है कि रियल लाइफ को लेके रियल लाइफ लोगों को इस तरीके से अटैक करना सही है या गलत, बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और देखते रहे फीफा फूस इसी तरीके की खबरों के लिए।